वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। मोदी की गारंटी पर कांग्रेस के बयानों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार किया है। कहा, कांग्रेस आज अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को तड़पाया है। कांग्रेस के मस्तिष्क में वही चलता है जिन्होंने किया है। आज 3 महीने में जो काम छत्तीसगढ़ में हुए, कई ऐतिहासिक निर्णय जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस नहीं कर सकती। पीएम आवास की स्वीकृति, किसानों के खातों में 2 साल का बोनस, धान खरीदी, विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। और विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में पूरा होते ही पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई थी, और अब लगातार हम बूथों तक जा रहे हैं, लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, हमारी मंडलों की बैठक हो रही है, और अब विधानसभाओं के सम्मेलन हमारे प्रारंभ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो निश्चित रूप से जोर शोर से चुनाव की तैयारियां पार्टी की चल रही है।